हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, फाइनली चाइना मार्केट में रेडमी की नोट 11 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। गाइस, लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च हुए हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस में भी लॉन्च हुए हैं। हालांकि वो वाली प्राइस हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इंडिया में वो प्राइस आएगी, क्योंकि यहाँ पे GST इम्पोर्ट वगैरह जो है मिला के थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सब कुछ बात करने वाले हैं कि क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगे Redmi के Note 11 सीरीज के अंदर, कितना प्राइस रखा गया है और इंडिया में क्या एक्सपेक्टेड है कि कब तक आ जाएगा, और इंडिया में कितना प्राइस एक्सपेक्टेड है कि कितनी प्राइस तक आएगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सेल का माहौल चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में सभी स्मार्टफोन के अपडेटेड प्राइस लिंक दिए हुए हैं, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो गाइस, Redmi Note 11 सीरीज के अंदर जो है तीन ऑप्शन लॉन्च हुए हैं, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro एंड Redmi Note 11 Pro Plus। गाइस, प्राइस जो रखा है ना, Redmi Note 11 5G वाले के मॉडल की बात करते हैं तो उसका प्राइस स्टार्टिंग है 14,000 रुपीज से आसपास। गाइस, यहां पे बेस जो वेरिएंट है ना, वो है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, 6GB रैम एंड यहां पे 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 1199 चाइनीज युआन से। अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज के साथ में, ऑलमोस्ट कन्वर्ट होता है 14,200-300 रुपीज के आसपास, जो उसका बेस वेरिएंट है Redmi Note 11 5G, जिसका प्राइस रखा है स्टार्टिंग 14,200-300 रुपीज के आसपास। और इसका जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज के आसपास, जो कि है 1699 चाइनीज युआन। तो गाइस, प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है Redmi Note 11 5G का। अगर हम यहां पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो चिपसेट यूज किया गया है डायमेंसिटी 810 के साथ में, एंड यहां पर स्क्रीन साइज वही आपको जो है 6.5 इंच का आपको मिलेगा पंच होल स्क्रीन, 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है IPS पैनल के साथ में, एंड बैटरी आपको मिलेगी 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग आपको जो है देखने को मिलेगा। गाइस, Redmi Note 11 5G भी जो है काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, उस प्राइस सेगमेंट अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है इंडिया में जब लॉन्च होगा ना, ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज का आएगा, तो शायद जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, मतलब सेल आउट के मामले में काफी अच्छी प्राइस होगी अगर 15,000 रुपीज का ये फोन लॉन्च होता है, बेस वेरिएंट 4GB 64GB या फिर 4GB 128GB, मतलब 15,000 रुपए के आसपास आता है ना, तो एक अच्छी डील बन जाती है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके अपर वाले फोन Redmi Note 11 Pro के बारे में, उसमें भी जो है तीन वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 8GB 256GB स्टोरेज। गाइस, अगर प्राइस की बात करते हैं ना, तो प्राइस लिटरली काफी अच्छा रखा है, 1599 चाइनीज युआन, कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, ऑलमोस्ट आपको 6GB 128GB 18,000 रुपए का मिलेगा, जो कि अभी करंट प्राइस है Redmi Note 10 Pro का, वही प्राइस जो है Redmi Note 11 Pro का देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इंडिया में लॉन्च होगा ना, तो 19,500 या फिर जो है 20,000 रुपए का आ सकता है, और गाइस उस प्राइस सेगमेंट में भी हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन जो है बन जाएगा। जहां इसके हायर वेरियंट की बात करते हैं, तो 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला प्राइस रखा है 2099 चाइनीज युआन, कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में लगभग जो है 22,500 या फिर जो है 23,000 रुपए का होता है। लेकिन गाइस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज Redmi Note 10 Pro एक अच्छी प्राइस है, वहां से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो। जहां पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो चिपसेट उसका क्या है, Dimensity का 920 चिपसेट, जहां पर अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं, तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि 5 लाख प्लस आपको जो है Antutu बेंचमार्क स्कोर मिलेंगे, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली आपको एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा यहां पे, नो डाउट काफी स्मूथ एंड बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और गाइस, वहीं अगर बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले साइज के बारे में, वो है 6.67 इंच का डिस्प्ले, 120Hz का पैनल, सुपर AMOLED स्क्रीन, काफी इंटरेस्टिंग बात है। एंड अगर बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी यूज की गई है 5160mAh की बैटरी, 67W का चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो मेन जो कैमरा होगा वो होगा 108MP के साथ में। गाइस, नो डाउट लिटरली ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं ना, तो काफी अच्छा डिवाइस है Redmi Note 11 Pro स्पेसिफिकेशन वाइज में। जब फोन अवेलेबल होगा, तो डेफिनेटली आपको हम जो है बता पाएंगे कि यार कैसा फोन परफॉर्म कर रहा है। और गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं Redmi Note 11 सीरीज के टॉप ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है Redmi Note 11 Pro Plus। गाइस, हो सकता है कि इंडिया में Redmi Note 11 Pro Max के नाम से आए, या फिर हो सकता है कि Redmi Note 11 Pro Plus के नाम रख दिया जाए, लेकिन गाइस प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। काफी रूमर्स बोल रहे थे कि 6GB रैम वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं होगा, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB लॉन्च होगा, लेकिन जब लॉन्च हुआ ना, तो ये तीनों ही वेरिएंट लॉन्च हुए 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस रखा है 1899 चाइनीज युआन, कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 22,200 रुपए के आसपास बनता है। और उस प्राइस सेगमेंट में ये जो फोन है ना,
वो भी काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। गाइस जो सेकंड वेरिएंट है वो है 8GB RAM and 128GB स्टोरेज, एंड थर्ड जो वेरिएंट है वो है 8GB RAM and 256GB स्टोरेज। इसका मतलब है जो प्राइस रखा है ना गाइस चाइनीज मार्केट में वो काफी इंटरेस्टिंग रखा है। लेकिन अगर बात करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट प्राइस की, तो लगभग जो है 24 से 25 हज़ार रुपए का इंडिया में आ सकता है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस या फिर रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स। गाइस वहां पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो है उसका चार्जिंग सपोर्ट, 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। बैटरी हालांकि कम है कंपैरिजन यहां पे रेडमी नोट 11 प्रो या फिर जो है रेडमी नोट 11 5G से, यहां पे आपको बैटरी मिलती है 4500mAh की बैटरी, 108MP का आपको यहां पे कैमरा सेटअप मिलता है, परफॉर्मेंस वाइज में काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले साइज है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। गाइस ओवरऑल जो पैकेज है इन तीनों का वो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड प्राइस अकॉर्डिंग ये और भी अच्छा बना देते हैं इस फोन को। और गाइस अगर एडवांस फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे JBL की स्पीकर सपोर्ट मिलता है, मतलब ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, जहां पे परफॉर्मेंस में साउंड वाइज आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये थे रेडमी नोट 11 सीरीज के सभी स्पेसिफिकेशन और सभी प्राइस सेगमेंट। आपको कैसा लगा, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया में जो है यहाँ पे कितना प्राइस आना चाहिए? और अगर इंडियन लॉन्च डेट की बात करते हैं तो अब ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और ग्लोबल मार्केट के बाद में जो है इंडिया में लॉन्च होगा उसकी 1 से 1.25 महीने बाद में। मतलब जब ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा ना, मतलब ग्लोबल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि नवंबर मंथ में लॉन्च होने वाला है, और यहां पे दिसंबर के लास्ट या फिर जो है जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर जो है Redmi Note 11 सीरीज इंडिया में डेफिनेटली जो है लॉन्च हो जाएगी। तो गाइस आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी प्राइस आनी चाहिए, जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।